हेलो स्टूडेंट्स, कमेंट में एक डाउट आया था एक बच्चे को कि लास्ट मेथड समझ में नहीं आया उसको, तो उनके मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। लास्ट मेथड में जो आपको बताया था उसमें जस्ट ये है, जैसे 96, 94। अब इसमें आपने क्या देखना है, इसकी जो 96 से पहले की डिजिट है और 4 से पहले की डिजिट है, दोनों सेम है। तो अगर इस टाइप की कोई कैलकुलेशन आती है और इन दोनों का टोटल, जो इनके बाद वाली डिजिट है, इन दोनों का टोटल सम अप जो है हमारा 10 होता है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट डिजिट के साथ 10 से, तो वो बनता है 90। सेम ऐसे ही आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये बनेगा आपका 24। अब इन दोनों को आपने इस तरीके से शो करना है 9, 0, 2, 4। ऐसे ही एक एग्जांपल से और आपको समझा देता हूँ। 98 मल्टीप्लाई 92, इसमें भी आपने सेम, दोनों सेम है 99। 9 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो 90, और 8 को 2 से कर दो 16, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 9016। थोड़ा सा 100 से ऊपर चलें, 114 मल्टीप्लाई 116, तो 11 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि दोनों सेम है, 4 और 6 का टोटल 10 है, तो ये बनेगा आपका 132, और 4 मल्टीप्लाई 6 ये बनेगा 24, टोटल आपका ये आ जाएगा 13224। क्योंकि कंपिटेटिव एग्ज़ाम में ट्रिक्स बेस ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एक रूल बता रहा हूँ 9 का। 9 का रूल में क्या है, ये सिंपल है, ये जस्ट वैसे ही आपको एक रूल के टाइप में है, आप फिंगर्स पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे 9 मल्टीप्लाई 3 ये 27 होता है। अब आपने क्या करना है, आप टेबल पे अपने हैंड को रखिए, एक 5 फिंगर्स एंड 5 फिंगर्स। अब 9 3 से 27, अब फिंगर्स पे कैसे कैलकुलेशन होगी? लेफ्ट हैंड उसकी जो ये वाली उंगली है उसको फोल्ड कर लीजिए आप, तो कितना बचा, 5 और 2 7, एंड दिस वन 9 3 जा 27। सेम ऐसे ही 9 4 जा 36। अब दोबारा से एक 5 फिंगर्स यहाँ पे, 5 फिंगर्स यहाँ पे, 4 से कह रहे हैं, अब 4 वाली को फोल्ड कर लीजिए लेफ्ट वाले हैंड में, लेफ्ट वाले में कीजिएगा। अब देखिए 5 and 1 6 and 3, तो ये 6 तो इसका टोटल आ गया, 3 है 36। अब अगेन 9 5 जिया 45, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड कर लीजिए 5 and 4 45। तो ये 9th की टेबल आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, करके देखिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें एक रूल है वो आपका है 11 का रूल। अब 11 का रूल का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसको कैलकुलेशन हम करके बताएंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि 10 तक का तो आपको पता है कि 10 मल्टीप्लाई 5 50 होता है, 0 लगा दीजिए आंसर आ जाता है। अब 11 में कैसे है, मान लीजिए 54 मल्टीप्लाई 11, आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं, जस्ट 5 और 4 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 9, तो 54 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 594। हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट किया, ऐड किया 594, ठीक है। अब ऐसे ही एक मान लीजिए डिजिट मैं आपको देता हूँ, 57 मल्टीप्लाई 11।
अब इसमें आपने क्या करना है, 7 को तो यहाँ पर रख लीजिए, लेकिन अब क्या है, 5 और 7 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपका आता है 12। तो जो 2 है इसको तो आप यहाँ रख लीजिए, जो ये 1 है ये अगले में कैरी हो जाएगा, तो बन जाएगा 627। तो इस तरीके से आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ट्रिक आपके वहाँ पर अप्लाई होती है। दोबारा से समझ लीजिएगा, 5 और 4 हैं तो 5 को अलग कर दीजिए, 4 को अलग, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9 बनता है। तो 9 को आप यहाँ शो कर रहे हैं, 4 आपका ऐसे कैसे रहेगा, 9 आपका आ गया। अब 5 है, 5 भी ऐसे रहेगा क्योंकि 9 तक की डिजिट है, लेकिन अगर 10 से ऊपर जाती है डिजिट, जैसे अगले वाले में 57, 7 रखा, 5 और 7 को प्लस किया तो 12 आया, तो 2 को तो आपने यहाँ शो कर देना है, जो 1 डिजिट आपकी रह गई है वो ऊपर जाएगा, मतलब नेक्स्ट डिजिट में एड ऑन हो जाएगा। तो 5 है तो वो 6 आ जाएगा आपका, तो ये आंसर आपका बनेगा 627। तो इसको आप करके देखेगा इनको। थैंक यू।